नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी भारती। वक्त है रात का रिपोर्टर का, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां क्रिसमस का त्यौहार है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दिन गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ऐसे ही एक गिरजाघर यानी चर्च का जायजा लिया है हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने, आप भी देखिए। हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन मैरी क्रिसमस का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है। अभी हम खड़े हैं 1895 का निर्मित सेंट एंड्रूज चर्च में, जो 126 साल पुराना है। इस चर्च में कल जो प्रोग्राम होना था उसके लिए साजो सज्जा सभी तैयार कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सेंट एंड्रूज चर्च को सजाया गया है। और यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं, यदि रवि यूनुस जो हमारे साथ हैं, जो चर्च के एसोसिएशन के सचिव हैं, और इनसे जानकारी लेते हैं किस तरह से क्या कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जाए। सर, हम पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन जान। नमस्कार, मेरा नाम रवि यूनुस है और मैं यहाँ का सेक्रेटरी नहीं हूँ, आपने सेक्रेटरी संबोधित किया, मैं हूँ यहाँ का ट्रेजरर। और आज हमारी सज्जा चल रही है, चर्च की साफ सफाई चल रही है। कल हमारे को सेलिब्रेट करेंगे 25 दिसंबर को, जो हमारे ईसा मसीह जो पैदा हुए थे बैतलहम शहर के बैतलहम गांव में, जो पैदा हुए थे चरनी में, उनका बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया जन्म का उत्सव बनाएगी, तो हम लोग भी उसमें शरीक होंगे। आज जैसे रात्रि, आज मिड रात्रि बनाया जाएगा जो त्यौहार का प्रेयर की जाएगी भगवान ईश्वर के उपलक्ष्य में, जो शांति और संदेश का दुनिया में पैगाम फैला रहे हैं, और उसी से हम पूरी रात भर ये तैयारियां करते हैं। जिस तरह से अभी आपने कैंडल्स से जो सजा के रखे हैं, इन कैंडल्स को किस तरह से क्या कुछ किया जाएगा, तो उससे थोड़ा जानकारी बताएंगे किस तरह से क्या कुछ सेलिब्रेट करें। आज हमारी मिडनाइट सर्विस होती है रात को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में मिडनाइट सर्विस होती है। उसमें हम लोग का पूरा एक चर्च लगता है। उसके बाद हमारी सुबह आराधना होगी 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में, और 12 बजे से हम लोग पब्लिक के लिए चर्च को खोल देते हैं, ताकि जो पूरा शहर है, जो बाकी लोग इसके दर्शन करना मांगते हैं हमारे चर्च के, तो वो देख सकते हैं। आज जैसे देखा गया कि पूरी तरह से दुल्हन की तरह इस चर्च को सजाया गया है, किस तरह से डेकोरेट की गई है? डेकोरेट तो हर दफ़ा अलग अलग तरीके से होती है, अब ये आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोगों ने करी है। और बस दुल्हन की तरह, क्या मतलब, हमारा चर्च है और इसको जितना अच्छे से अच्छा हम सजा सकते हैं हम कोशिश। क्या जैसे कोविड कोरोना वेरियंट नया आ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि ये संक्रमण यहाँ आने वाले लोगों में ना जाए, खुशी खुशी सब सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए जाए? हाँ, कोविड का भी हम लोग को बहुत ध्यान रखना है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा 12 बजे से और रात के 8 बजे तक के लिए हमने बोला है, और हम लोगों ने इसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था करी है। चर्च के बाहर से बाहर को हम लोग निकलेंगे और वहाँ सामने जाएंगे दर्शन के लिए, और इसके लिए हमने सैनिटाइज़र और मास्क के लिए वगैरह हम लोगों ने पहले से ही विज्ञापनों में भी दे रखा है, और जो भी हमारे पे आते हैं दर्शनाभिलाषी उनको भी हम बोलते हैं कि अपना मास्क और सैनिटाइज़र हम लोग रखते हैं वहाँ पर, उसका यूज़ करेंगे। तो क्या किसी जैसे इस पर्व पर जो मैसेज दिया जाता है भगवान इसी द्वारा, उसके साथ साथ आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रेम का संदेश है पूरी दुनिया को कि एक दूसरे से प्रेम करें, मिलजुल के रहें, ये सद्भावना का ही प्रेम है, और ईसा मसीह का भी यही संदेश था प्रेम। देखिए, इन्होंने कहा कि ईसा मसीह का सारा संदेश जो था प्रेम और शांति का था, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए अभी यहाँ पे चर्च पे भी वही संदेश देने की लिए प्रेयर की जाएगी। रात को मिडनाइट ये सर्विस होती है, इस मिडनाइट सर्विस के बाद अगले दिन जो सुबह मॉर्निंग में प्रेयर होती है, प्रेयर होने के बाद जैसे मेल मिलाप किया जाता है भगवान यीशु के द्वारा, जो मैसेज होता है, संदेश होता है, उसे दुनिया भर में फैलाया जाता है, और उसी फैलाने के मैसेज को फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये जो त्यौहार होता है बल्कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। भिवानी शहर में भारी वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। रात के 8 बजते ही यहां भारी वाहन शहर में प्रवेश करने लग जाते हैं, जिससे शहर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। भिवानी शहर से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ने जयपुर लोहारू मार्ग का जायजा लिया है, साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है। आप भी देखिए यह खास रिपोर्ट। रात का रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सड़कों पर लगने वाले जाम की। जी हां, आपको बता दें भिवानी जो फिलहाल जिस हम रास्ते में खड़े हैं, घंटाघर है, भिवानी का जो सामान्य हॉस्पिटल है इस घंटाघर पर ही है। मेरे पीछे सामने जो है भिवानी का सामान्य हॉस्पिटल है, और जो ये रास्ता है ये आपको बता दूं कि जयपुर
लोहारू और जयपुर की तरफ जाता है, और जबकि भिवानी का जो ये रास्ता है ये दिल्ली की तरफ जाता है। भिवानी का ये घासी गेट्स होते हुए और रोहतक होते हुए फिर दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है। आपको बता दूं कि रात के समय में यहाँ भारी वाहन, हालांकि दिन के समय में ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों का शहर के अंदर गुजरने से मनाही कर रखी है, लेकिन रात को जैसे ही 8 बजने के बाद भारी वाहन जो है शहर में प्रवेश करने लगते हैं। बाईपास ना होने के कारण काफ़ी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात कर लेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि कितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कितनी परेशानियां इन लोगों को हैं। आपको अभी भी दिखा देता हूं, अभी भी एक बस जो है यहां से गुजर रही है, क्योंकि जो बस है यहां से नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि ये आम रास्ता है, आम लोगों के लिए रास्ता है, काफ़ी परेशानियाँ लोगों को होती है। सर क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं भिवानी शहर की अगर बात करें? देखो यहाँ पर जो रात को 8 बजे बड़े बड़े ट्रक यहाँ पे आ जाते हैं और लाइनें बहुत लग जाती हैं, जिसको सुधारने की जरूरत है ताकि ट्रैफिक जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके, और पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि वो ट्रकों को जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को खाली करे। जब भी कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज आ जाए और उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी व्यवस्थाएँ रहती हैं। तो हमारा ये कहना है कि भिवानी शहर के चारों तरफ सर्कुलर रोड बना के बाहरों की बाहर हैवी ट्रैफिक को बाहर निकालना चाहिए ताकि अंदर ट्रैफिक ना आए। बिल्कुल, भिवानी के अंदर हैवी ट्रैफिक ना आए, लोगों को परेशानियां जो है ना झेलनी पड़े। सर आप क्या कहोगे, आप भी भिवानी के वासी हो, किस तरह के जाम लगते हैं, किस तरह की जो लोगों को परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप भी शहरवासी हो, कितनी परेशानियां होती हैं? परसों मैं गिरधर हॉस्पिटल हांसी गेट तक जाना था मुझे, और मैं विजयनगर से हांसी गेट तक ही गया, लेकिन मेरे को वहां तक पहुंचने में 15 मिनट लग गए, जबकि गिरधर हॉस्पिटल मेन हांसी रोड पर ही है। इतना लंबा जाम, इतने ट्रक्स और बड़े बड़े ट्रक्स बेअंता, तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाम को जल्दी खुलवाएं, और रात को जो ट्रक्स हैं वो उनको भिवानी में एंटर ना करें, शहर के अंदर ना आ पाएं, ऐसा कुछ तरीका वो देखें कि जो भी हैं बड़े ट्रक्स हैं वो भिवानी के बाहर से ही, उनको आउटर से ही निकालें, शहर के अंदर ना आने दिया जाए। बिल्कुल, भिवानी के अंदर बाईपास की काफ़ी जो है मांग उठती रही है कि भिवानी के चारों तरफ बाईपास बने ताकि जो हैवी व्हीकल हैं वो शहर के अंदर एंटर ना करें, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको बता दूं कि एम्बुलेंस भी अगर जाती है तो भी उन्हें काफ़ी समय लग जाता है यहाँ से गुजरने में, क्योंकि काफ़ी परेशानियां जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। अभी आपको दिखा भी दूंगा, एक एम्बुलेंस जा रही है बड़ी तेज़ी से, क्योंकि काफ़ी मरीज जो हैं इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल सभी के सभी इसी रास्ते पर आते हैं। सर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं शहर की, अगर बाईपास की अगर मांग उठती है तो कितनी व्यवस्थाएँ बनेंगी? बाईपास की मांग ठीक है बिल्कुल आपके लोगों की, हम कई बार देखते हैं कि जो हमारी प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको भी ट्रकों की वजह से निकलने आने जाने में दिक्कत होती है और भय रहता है दुर्घटना घटने का। तो हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि जाम का कम से कम जाम लगवाएं और ट्रकों को क्लियर करें। बिल्कुल, हालांकि भिवानी के लोगों की यही मांग जो है बार बार है कि जो है प्रशासन जो है या ट्रैफिक पुलिस जो है सड़कों पर व्यवस्थाएं कराए, ट्रैफिक पुलिस जो है जो ट्रैफिक के जाम लगते हैं वो ना लगें। हालांकि सरकार ने, प्रशासन ने 8 बजे के बाद जो है भारी वाहनों की शहर में अनुमति दे रखी है। हालांकि अगर शहर के चारों तरफ बाईपास बन जाएं तो ये इन समस्याओं से लोगों को जल्द ही निजात भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जाते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। और अब बात करते हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मोहना मार्ग की, जहां शाम ढलते ही लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों कोहरे की वजह से घने अंधेरे के बीच लोगों को यहां से गुजरना पड़ता है, जिससे किसी भी अनहोनी का खतरा भी बना रहता है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने, आप भी देखिए। पृथला विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से शाम ढलते ही ये धुंध का पूरा माहौल हो जाता है, पूरा जो ग्रामीण इलाका है वो धुंध में तब्दील हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आवागमन करते हैं, ग्रामीण गांव से निकलकर शहर के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनकी बातचीत करेंगे। ये मोहना मार्ग है जो कहीं ना कहीं अंधेरा होते ही पूरी तरह सूर्य ढलने के बाद अंधेरे में तब्दील हो जाता है, और जो ग्रामीण हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए शहर आवागमन करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का सबब भी है, क्योंकि ये पूरा रास्ता 18 से 20 किलोमीटर का रास्ता है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक लगता है।
दुर्घटना होने की कहीं ना कहीं एक बड़ी आशंका बनी रहती है, और साथ ही साथ सर्दी के प्रचंड रूप को धारण करने के बाद एक धुंध, कहें एक फॉग, एक परत जम जाती है, जिससे कहीं ना कहीं बाइक सवार और जो गाड़ी चालक हैं उनको रास्ते को तय करने में बहुत परेशानी का महसूस होती है। कहीं ना कहीं ये एक सरकार के लिए एक चिंतन का विषय है, क्योंकि ग्रामीण विषय सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है। अपनी जान को दांव पर रखकर इस सर्दी के मौसम में लोग शहर के लिए आवागमन करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए शहर जाते हैं, वहीं कहीं ना कहीं इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है। क्योंकि ये जो मोहना मार्ग है, इस पर कहीं ना कहीं बात करें हम आवारा पशुओं से एक्सीडेंट की बात करें, या फिर लावारिस जो लाशें हैं उनकी मिलने की बात करें, या फिर लूटपाट जैसी वारदातों की बात करें, और वहीं सर्दी के मौसम आते आते एक धुंध की परत भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि बाइक सवार अक्सर परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं इस रोड पे चलना एक दुर्घटना होने की एक चुनौती सी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये आम रास्ता है। सरकार शहरों में गली कूचों में कहीं ना कहीं लाइट और जगमग जैसी योजनाओं का जो उद्घाटन हमेशा करती हुई दिखाई देती है। शहरों में हर कोने में आपको स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्था होगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और सर्दी का मौसम है, जहां अक्सर आप चौक चौराहों पर आप शाम के समय में बुजुर्गों की, जवानों की एक टोली देख पाते होंगे। गर्मियों के मौसम में जहां ठहाके लगते हैं और कहीं ना कहीं ताश मनोरंजन के लिए बुजुर्ग ग्रामीण जो बुजुर्ग हैं वो ताश जैसे खेल अपने खेलने में लगे रहते हैं, वहीं सूर्य ढलते ही अपने घरों का रुख अब जो है ग्रामीण लोग करने लगे हैं, क्योंकि सर्दी एक प्रचंड रूप अपना धारण कर चुकी है। वहीं फॉग जैसी समस्या और सर्दी होने से लोग अपने घर जल्दी से सूरज ढलते ही अपने घर में पहुंच जाते हैं और चौक चौराहे वीरान नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सर्दियों के मौसम में अक्सर चोरी की वारदातें भी देखने को मिलती हैं। हर खबर के लिए पिथला विधानसभा के धीरज कौशिक, वीडियो जर्नलिस्ट गणेश कौशिक के साथ। यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक लेकर ही मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।